राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छी होंगे। आज मैं एक हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ आई हूँ। जो वेजिटेरियन फ्रेंड है ना, उनके लिए आज का रेसिपी परफेक्ट होगी, क्योंकि सबको पता है सोयाबीन में रिच इन प्रोटीन होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके लिए भी ये रेसिपी फायदेमंद है, क्योंकि ये रेसिपी एक बार बना के खाएगा ना तो वो नॉन वेज खाना भूल तो नहीं जाएंगे, बट हाँ, नॉन वेज जैसा ही टेस्ट इससे मिलेगा। आज मैं बनाऊंगी दही सोयाबीन। यू नो फ्रेंड, दही के साथ ना सोयाबीन की एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, या आप मान के चल सकते हो एक यूनिक फ्रेंडशिप है। तो इस यूनिक फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा परफेक्टली बनाने के लिए मैं आज बनाऊंगी दही सोयाबीन की ये रेसिपी। तो सबसे पहले सोयाबीन को वाटर से एंड थोड़ा सा सॉल्ट देकर बॉईल कर लेना है। तो जब तक मेरा ये सोयाबीन बॉईल हो रहा है, चलिए फ्रेंड, इनके लिए मुझे क्या क्या सब्जी चाहिए तो वो मैं काट कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। सिर्फ लाइक करने से होगा नहीं, आपको ऐसा रेसिपी बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं फटाफट काट लेती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 2 टमाटर, 3 प्याज और मैंने इसमें आलू भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को धो लिया एंड इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रही हूँ। पता है फ्रेंड, जब भी ना मैं प्याज को काटती हूँ, प्याज के छिलका को निकालने के बाद ना उसे मैं तुरंत पानी में दे देती हूँ। नहीं तो क्या करूँ, आँखों में से ना आंसू आ जाते हैं, सबने मुझे इतना डांटते हैं। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये एक टिप्स है कि जब आप प्याज को काटिंग करोगे तो उस प्याज को कट करने से पहले उसे छिलका को निकाल के थोड़ी टाइम के लिए, आप बस कुछ ही सेकेंड के लिए वाटर में दे दीजिए। एंड देन देख लीजिए, फिर मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रही हूँ। फ्रेंड, आप लोगों को किसको पता है जो जिस चीज़ से मैं काटिंग कर रही हूँ इसका नाम? जो बंगाली फ्रेंड है उनको तो पता ही है, और आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, मैं फटाफट इसको काट कर लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप भी आपके साथ शेयर करूँगी। आलू, प्याज, टमाटर मेरा कटिंग हो गए। इस आलू को मैंने और एक बार अच्छे पानी से मैंने इसे वॉश कर लूँगी। एंड चलिए फिर, मेरे ये सोयाबीन भी थोड़ा सा ठंड हो गए, तो पहले मैंने आधा घंटे के लिए सोयाबीन को मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ। न्यूट्रिला यानी सोयाबीन से मैंने पानी को निचर के रख दिया। एंड इसमें मैंने धनिया और जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, थोड़ा सा चीनी और दही को ऐड करूंगी। दही करीबन आपको 12 टेबलस्पून की 3-4 लेना है।
और खारे मसाले में देख लीजिए लौंग, दालचीनी, इलायची, ब्लैक पेपर और मैंने इसमें स्टार मसाला लिया और एक जायत्री, इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। फ्रेंड इन सारे खारे मसालों को ना आप कूट के दोगे ना तो फिर बहुत ही अच्छे से एक फ्लेवर आएगा। तो ये कूटे हुए मसाला को मैंने इसमें ऐड कर दिया एंड मैंने ऐड करूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड सारी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है। मैरिनेशन के बाद आपको कम से कम एक घंटे के लिए ऐसे छोड़ के रखना है। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दी। फ्रेंड ये रेसिपी आप मस्टर्ड ऑयल से बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू को हल्दी और सॉल्ट देकर फ्राई कर लूँगी। आलू मेरा फ्राई हो चुका है, अभी मैं अलग से इसे प्लेट में सेपरेट करके रख दूंगी। एंड देन सेम कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दी और सूखा मिर्च, तेज पत्ती एंड थोड़ा सा साबुत जीरा। एंड जैसे मैंने इसे ऐड कर दी फिर मैंने इसे फ्राई करूंगी प्याज थोड़ा सा सॉल्ट देकर। एक चम्मच लहसुन की पेस्ट एंड लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूंगी। एंड देन ऐड करना है टमाटर। तो फ्रेंड ये जो मसाला है ना ये बनाते बनाते आपका एक घंटा वो जो न्यूट्रीला है वो भी मैरिनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट मैंने पहले भी दे चुकी थी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको लो टू मीडियम फ्लेम में सॉटे करना है। फ्रेंड इस तरीका से एक बार बना के खाइए, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनते हैं। तो देख लीजिए ये जो मसाला है बस बनने वाला है, थोड़ी टाइम के लिए इसे मैं सॉटे करूँगी। मसाला मेरा परफेक्टली बन चुके हैं। फिर ये जो न्यूट्रीला को मैंने मैरिनेशन किया था उसे मैं ऐड कर दूंगी और मीडियम फ्लेम में इसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे सॉटे करना है। तीन मिनट सॉटे करने के बाद फिर इसे ऐड करना है फ्राई किया हुआ आलू को। फिर इस तरीका से बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे बड़ा बात है इसमें, मतलब जब मैंने मैरिनेशन किया था और उसमें जो मैंने कूटे हुए गरम मसाला ऐड किया था ना उसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट यानी जब आप इंग्रेडिएंट को ऐड करोगे मैरिनेशन के टाइमिंग में तो गरम मसाला को भी कूट के उसमें ऐड करना है। कूटने से इसका फ्लेवर और भी अच्छे बन जाते हैं। आपको ऐसे सूखा खाना पसंद है यानी सूखा सब्जी पसंद है तो आप बिना पानी देकर भी खा सकते हो। तो इसमें ज़्यादा वाटर मत दीजिए, थोड़ा सा वाटर दे दीजिए क्योंकि फीकी फीकी होगी तो ज़्यादा टेस्टी होगी। तो जैसे मैंने वाटर ऐड कर दी उसके बाद एकदम हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए इसे बॉयल होने देना है।
तो 2 मिनट मेरा बॉयल हो चुका है। आप चाहे तो लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर और देसी घी भी ऐड कर सकते हो। ये मेरा परफेक्टली बन गए हैं फ्रेंड। देखने से शायद आपको पता नहीं चल रहा कि ये कितना टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड। एक बार बना के तो खाइए। जब तक नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये रेसिपी कितना हेल्दी एंड टेस्टी है। तो फ्रेंड आई होप आज का ये जो रेसिपी है आपको पसंद आए। और इतना दूर तक अपने वीडियो जब तक आपने देख ही लिया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर कीजिए आपकी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड आज इतना तक, फिर मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।